चेहरे पर भोलापन, आंखों में दीवानापन और दिमाग में कमीनापन, इसे कहते हैं राजनीति। जी हाँ दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। उत्तर प्रदेश की राजनीति सुलग रही है। 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारी हो रही है। बहन मायावती जी को कहना पड़ गया कि ब्राह्मण महासभा और जो भी महासभा हो रहा हो सबके लिए आदेश हमने दिया है। मैंने कहा है कि श्री राम लला के मंदिर से शुरू किया जाए और जितने भी ब्राह्मण हैं उत्तर प्रदेश को सबसे मुलाकात हो, सबके मान सम्मान की रक्षा बसपा करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता में भी एक बहुत बड़ी हलचल सी मच गई है। जगह जगह जो है चर्चाएं हो रही है। चर्चाएं तो यह भी हो रही है कि जयप्रकाश सिंह जी के ऊपर FIR क्यों। लेकिन आपसे एक प्रश्न है, अगर FIR नहीं होता तो हर कोई व्यक्ति एक राष्ट्रीय पार्टी का झंडा बैनर लेकर, बहन मायावती जी का फोटो लेकर और जुलूस निकालने लग जाता, मनमानी करने लग जाता, कुछ भी भाषण दे देता जो भविष्य में बसपा को नुकसान हो सकता था। जयप्रकाश सिंह बसपा के लिए काम कर रहे हैं, बसपा उनके साथ है, परंतु जो कानूनी प्रक्रिया है वह तो पूरी करनी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, राजनीति तीनों तरफ अपना पैर पसार चुकी है। बहन जी को नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश, 2022 का विधानसभा चुनाव। भाजपा को नजर आ रहा है कि बहन जी को कैसे रोका जाए, बसपा को उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने से कैसे रोका जाए। और विपक्ष, जिसमें कांग्रेस, ममता दीदी, NCP और बाकी जो लोग हैं, उनके दिमाग में यह चल रहा है कि राजनीति को कैसे भटकाया जाए। कहने का तात्पर्य यह, क्या आपको लगता है 2022 के विधानसभा चुनाव, जो कि उत्तर प्रदेश में होने वाला है, उत्तराखंड में होने वाला है, पंजाब में होने वाला, यानी 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, और जिस तरह से 2-3 दिनों से ममता दीदी कंपेन कर रही है, उन्होंने कांग्रेस को मना लिया, NCP को मना लिया, समाजवादी पार्टी को मना लिया, RJD से बात हो गई, सबसे वो बात कर रहे हैं। अब एक प्रश्न उठेगा कि 2024 में जो है देश का प्रधानमंत्री चेहरा कौन, क्या बसपा कार्यकर्ता को बर्दाश्त होगा कि उनके सामने बहन मायावती जी का नाम ना लेकर ममता दीदी का नाम लिया जाए। बहुत बड़ी चाल है, मैं इसको आपको गहराई से समझाने वाला हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि बसपा के कार्यकर्ता और उत्तर प्रदेश की जनता को दुविधा में डाला जाएगा कि बहन मायावती जी की जो छवि है वो प्रधानमंत्री के लायक है या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के लायक। आप कंफ्यूज हो जाइए, टेंशन में आ जाइए, ऐसा ही होने वाला है। क्योंकि जहां कांग्रेस होगा और जहां भाजपा होगा, वहां बहन मायावती जी नहीं होंगी, साफ साफ मना कर देंगी, एक नागनाथ दूसरा सांपनाथ, ये आपने सुना होगा पहले भी। ब्राह्मण समाज का मान सम्मान जो है बसपा के द्वारा वापसी होती नजर आ रही है। और सच यह है कि पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज जो उत्तर प्रदेश का है बसपा के तरफ मूव कर चुका है, और इसी बौखलाहट में गैर बसपा कहिए, यानी भाजपा, कांग्रेस, सपा, जितनी भी पार्टियां हैं, सब फुल टेंशन में आई हुई है, फुल टेंशन जिसको कह सकते हैं, और बहुत सारे तरह के प्रोग्राम शुरू हो गए। 1 अगस्त से आपको बता देता हूँ, बहुजन समाज पार्टी अति पिछड़ा वर्ग का भी सम्मेलन करने जा रही है, बिल्कुल चुन चुन के जो जो लोग इग्नोर हैं समाज में उत्तर प्रदेश में, उसका ये महासम्मेलन करेंगे बसपा वाले, और खोज खोज के जो है लोगों को तैयार कर रहे हैं। तो ये एक जो है हॉटशॉट है बाकी पार्टियों के लिए। और इसी बीच ममता दीदी कूद जाती हैं 2024 के प्रधानमंत्री चेहरा तैयार करने के लिए। अब उत्तर प्रदेश की जनता क्या करे। और आपको एक बात बता देता हूं, बहुजन समाज में ऐसे लोग हैं जो बगैर सोचे समझे भी प्रतिक्रिया दे देते हैं, बस
उनको केवल पॉजिटिव खबर जो है देते रहो। अब एक बहुजन समाज के लोगों के बीच जाओ और उनसे कह दो कि दिल्ली की प्रधानमंत्री बहन मायावती जी होने चाहिए या उत्तर प्रदेश की एक मामूली मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो भूल जाएंगे 2022 के जो चुनाव है, वो प्रधानमंत्री के रेस में कूद जाएंगे। इसी को कहते हैं राजनीति में कंफ्यूज कर देना, लोगों को भ्रमित कर देना, और ये तैयारी हो रही है विपक्ष के द्वारा। यानी उत्तर प्रदेश के जो 2022 की विधानसभा को भटकाने की पूरी तैयारी, क्योंकि 2022 के बाद ही तो 2024 का लोकसभा चुनाव होगा। जो मोदी जी से टकराने की बात होगी, अगर वह 2023 से शुरू हो और 2024 में अटैक हो, ये तो समझ में आती है। परंतु 2022 जहां पर 5 राज्यों का चुनाव है, उत्तर प्रदेश जो देश का सबसे बड़ा राज्य है वहां चुनाव है, उससे पहले एक बीच में ऑप्शन रख देना कि अगला प्रधानमंत्री कौन। जाहिर सी बात है कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को बुरा लगेगा कि बहन मायावती जी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं ले रहे हैं और बाकियों जितने भी जूनियर हैं उनको ले रहे हैं। तो ये कन्फ्यूजन है। मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के, मैं जिला वाइज जो सर्वे कर रहा हूं, कहा जाता है कि हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के मऊ को कहा था भारत का मैनचेस्टर, जहां सूती कपड़ा उद्योग बड़ी जबरदस्त है, बुनकरों की संख्या बहुत ज्यादा है। उस पूरे जिला को जब हमने सर्वे किया, हमने अपने स्तर से इंक्वायरी किया, वहां 100% बसपा के खाते में सीट जा रही है। 22 लाख मतदाता हैं और मऊ की जनता यह कहती है कि हमारे 100 किलोमीटर के रेंज में, यानी बनारस और गोरखपुर, बनारस देश के प्रधानमंत्री का लोकसभा क्षेत्र है और गोरखपुर में यूपी के जो है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी का वो क्षेत्र है, और मऊ की ये हालात कि वहां की सड़कें टूटी हुई है, वहां के दो दो मील बंद हैं, बुनकर समाज भूखे मर रहे हैं, वहां के मजदूर पूरे देश में भटक भटक के मजदूरी कर रहे हैं, विकास नाम की कोई चीज नहीं है। उत्तर प्रदेश के मऊ का हाल में बता रहा हूं, और वहां पर 90% मजदूर क्लास है, क्योंकि बुनकरों का इलाका है, और वर्तमान सरकार ने उत्तर प्रदेश का जिला मऊ के ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, तो जनता भी बागी हुई पड़ी है और इस बार दबा के बसपा को वोट करने वाली है। लेकिन 2022 से पहले अगर यह सगुफा छोड़ दिया गया कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन, तो आप 2022 को दिमाग में लेकर चलेंगे या 2024 के चक्कर में भूल जाएंगे। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर, हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।